नमस्कार, आप देख रहे हैं YouTube चैनल GSMP क्लिनिक एंड न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमें ऐसे रोग लेप्रोसी, जिसे हम हिंदी में कुष्ठ रोग कहते हैं, कुष्ठ रोग के बारे में हम आपको एक खास लक्षण बताएंगे, जिसे जो नए विद्यार्थी हैं CHD उनको समझने में बहुत आसान होगा। कुष्ठ रोग कहीं भी आप देखें, जहां पर नख ऐसे उनके टेढ़े टेढ़े हो जाते हैं, ये दोनों हाथों का ये नाखून ऐसे टेढ़े टेढ़े आप देख सकते हैं, ऐसे हो जाते हैं, उनकी पैर की उंगली भी टेढ़ी टेढ़ी हो जाती है। मैंने पिछले वीडियो में हाइड्रोकोटाइल नाम की दवा के बारे में हमने इसे बताया था। हाइड्रोकोटाइल इसे 30 से लेकर 1 mg तक लेकर प्रयोग करके आप किसी भी कुष्ठ रोगी को ठीक कर सकते हैं। आप इसे दूसरी दवा ग्रेफाइटिस ये 200 है, इसे भी 200 1 mg 30 के प्रयोग से कुष्ठ रोग को बिल्कुल आप खत्म कर सकते हैं। कुष्ठ रोग को जड़ से ठीक करने के लिए आपको दोनों दवाइयों की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। आप कुष्ठ रोगी को आसानी से पहचान सकते हैं, रेलवे स्टेशन पर कहीं कहीं भी आपको देखने को मिल जाएंगे। रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने के लिए मजबूर होते हैं, उनका नख ऐसे टेढ़े टेढ़े हो जाते हैं और उन्हें कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। उनके पूरे शरीर को ये बीमारी जकड़ लेता है और पैर की उंगली को भी टेढ़ा कर देता है। इसलिए आप इसे इसके सिम्टम को आप समझ सकते हैं। यदि आपको सिम्टम समझ में एक बार आ जाएगा तो आप नहीं भूलेंगे कि कुष्ठ रोग को कैसे पहचाननी है। कुष्ठ रोगी का चमड़ा जहाँ पर भी होता है मोटा मोटा होता है, स्किन जहाँ पर मोटा हो वहाँ पर आप उसे देख सकते हैं। रेडनेस बहुत कम दिखाई देता है, वहाँ पर हल्का ब्लैक कलर का ही आपको वो त्वचा दिखाई देगा। जहाँ भी मोटा चमड़ा, जो सामान्य से उठा हुआ चमड़ा है और आपको दोनों ही तरह के दोनों उंगली अगर ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, आप कैसे कहीं भी इसको देख सकते हैं ऐसे, और उनके नख सारे नख धीरे 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 ये टूट टूट कर खराब होकर और निकल जाते हैं, आप इसे कुष्ठ रोग आसानी से समझ सकते हैं। कुष्ठ रोग को वहाँ टच करने से किसी तरह का स्किन में सेंसेशन नहीं रहता है। यदि आपको कुष्ठ रोग कहीं भी दिखाई दे तो आप उसे कृपया हेल्प करें। आपके प्रैक्टिस में भी बहुत सारे मरीज स्किन डिजीज और कुष्ठ रोगी आएंगे। यदि आप इसे अच्छी पकड़ बनाते हैं तो आपके पास रोगियों की संख्या भी ज़्यादा होगी और रोग जिससे छूट जाता है ये बीमारी, वो बहुत आपको रेस्पेक्ट साह देखता है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। जिसके पास ये पीड़ा होता है वही इसके कष्ट को जान सकता है, बाकी व्यक्ति को नहीं समझ में आएगा कि कुष्ठ रोगी को क्या क्या नहीं झेलना पड़ता है। कुष्ठ रोगी को छुआछूत की तरह से भी देखा जाता है और उसे अंत में घर से निकाल भी दिया जाता है। उसके छुए हुए चीज़ को कोई व्यक्ति नहीं ग्रहण करता है, नहीं लेता है, नहीं खाता है और उसके छिपे बर्तन को भी दूर कर दिया जाता है। धीरे 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 उनको घर से बाहर कर दिया जाता है। यदि आप चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को घर से निकाला नहीं जाए, घर से बघर ना हो, तो आप इसे कुष्ठ रोगी को अवश्य आप हेल्प करेंगे। कुष्ठ रोग कहीं भी आप चमड़े के बीमारी से शुरू होता है, तो शरीर के किसी भी अंग से उसके शुरुआती लक्षण स्टार्ट हो जाते हैं। आपको बस सर दिखना है कि उसके त्वचा मोटा है कि नहीं है, और अगर उंगली अगर आने लगे, उंगली धीरे 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 ये चटकने लगे, धीरे धीरे टूट 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 ये नख अगर गिरने लगे, तो आप समझिए कि वो व्यक्ति कुष्ठ रोगी है। ये इंजेक्शन पर आसानी से आप इनको देख सकते हैं, गांव देहातों में भी देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं भीख मांग रहे होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की रक्षा हो और भीख न मांगे और उनको पूरा पूरा इलाज मिले और अपना
बसा हुआ घर उनका ना उजरे, तो आप मेरे द्वारा सिम्टम को जो बताए रहे हैं उस पर कृपया गौर करके, अगर आपको आप आस पास में कोई भी व्यक्ति आपको दिखाई देता है, कोई भी इसका रोग दिखाई देता है, तो नज़दीक के कोई भी होम्योपैथिक चिकित्सक हैं उनके पास जरूर आप ले जाकर दिखाएं। यदि डॉक्टर को समझ में नहीं आता है तो आप मेरे द्वारा जो आपको दवा बताया जा रहा है हाइड्रोकोटाइल, आप देख सकते हैं 30 से लेकर 1 mg इसे देकर आप कुष्ठ रोग ठीक कर सकते हैं। इसके साथ ही जिनका नख झड़ रहा है, जिनका नख टूट रहा है, नख टूट टूट करके गिर रहा है, आप उनको ग्रेफाइटिस 200 भी आप दे सकते हैं। एक को सुबह और दूसरे को शाम को कर देना है। एक की मात्रा 4 बूंद सुबह और दूसरे केस ग्रेफाइटिस का शाम को 4 बूंद आप कुछ दिन देंगे तो कुष्ठ रोग बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। कुष्ठ रोगी घर से बेघर नहीं होंगे, आपको बहुत भी दुआ देंगे और आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कुष्ठ रोग के लक्षण कैसे हम देखें, और इसमें किसी किसी को खुजली भी हल्का सा रहता है और उनका चेहरा बिल्कुल काला सा अजब सा चेहरा हो जाता है। कोई भी व्यक्ति आए आप उसको थोड़ा सा भी देखें कि चमड़ा मोटा है, और उनको एक और खास लक्षण बता देते हैं, जगह जगह पर उनको क्रेक किया रहता है, फटा रहता है, जिसे ग्रेफाइटिस का प्रधान लक्षणों में आता है। कहीं भी पटा फटा और क्रेक दिखाई दे तो आप समझ सकते हैं ग्रेफाइटिस के लक्षण के अंतर्गत आता है। ग्रेफाइटिस का जो स्राव होता है कहीं पे भी होता है तो चिपचिपा हो सकता है और थोड़ा सा मोटा गढ़ा होता है और नहीं भी हो सकता है। जिनको कुष्ठ रोग वगैरह है, हल्का स्किन डिजीज है, उसमें ऐसा देखना नहीं मिलता है। शुरुआती दौर के जो लक्षण होते हैं वो आप उनको मोटा चमड़ा और उंगली ऐसे ऐसे आपको टेढ़े टेढ़े आपको दिखाई देते हैं। आप समझ सकते हैं कुष्ठ रोगी कैसे होते हैं। आप इनको अगर इस लक्षण को आप जानना चाहते हैं भली भांति, तो किसी भी हिंदुस्तान के आप रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, आपको बड़ी संख्या में कुष्ठ रोगी आपको दिखाई देते हैं। वहाँ पर अक्सर कुष्ठ रोगी भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। यदि आप नहीं चाहते हैं कि कोई व्यक्ति भीख न मांगे, उनका घर न उजरे, तो कम से कम आप हाइड्रोकोटाइल और ग्रेफाइटिस दवा का सिम्टम और लक्षण अवश्य जाने। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो किसी भी होम्योपैथिक चिकित्सक के पास उसे भेज दें। यदि डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आती है तो आप कृपया करके उनसे रिक्वेस्ट करें, आप उन्हें जाकर समझाएं, डॉक्टर साहब में देखिए ये हमने इस दवा के बारे में हमको बहुत अच्छी जानकारी है, क्या ये दवा इस रोगी में चल सकता है। अगर डॉक्टर अच्छे होंगे तो इसके बारे में आपको ज़रूर उनको जानकारी होगा और आपको हाइड्रोकोटाइल और ग्रेफाइटिस की सहायता से कुष्ठ रोग को ख़त्म किया जा सकता है। पूरे भारत में, हिंदुस्तान में कुष्ठ रोगियों की संख्या बहुत ही बड़ी संख्या में है। इस दवा से पूरा इसका उन्मूलन किया जा सकता है और कुष्ठ रोग को बिल्कुल समाप्त किया जा सकता है। तो आज आपको 2 दवा के बारे में आपको याद रखना चाहिए, पहला ग्रेफाइटिस और दूसरा हाइड्रोकोटाइल। और यदि उनका नख नहीं गिर रहा हो, केवल उनका त्वचा मोटा हो, तो आप हाइड्रोकोटाइल से काम चला सकते हैं। हाइड्रोकोटाइल देने से ही आप उनके कुष्ठ रोग जो शुरू हो रहा है, मोटा चमड़ा है, कोई भी स्किन डिजीज शुरुआत हो रहा है, तो उसे हाइड्रोकोटाइल से आप ठीक कर सकते हैं। यदि नख गिरने लगे तो उसमें ग्रेफाइटिस की सहायता से आप इसे ठीक कर सकते हैं। एक बार फिर हम दिखा देते हैं स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं ग्रेफाइटिस 200 और दूसरी दवा हाइड्रोकोटाइल। आप इसे किसी मटेरियल मेडिकल में देखें, आपको अवश्य इसका गुणधर्मों के बारे में आप जान जाएंगे। मटेरियल मेडिकल आप निकालेंगे, इसके डिटेल्स को समझेंगे। ऐसे ग्रेफाइटिस का लक्षण बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, हाइड्रोकोटाइल भी आपको बहुत ज़्यादा इसका लक्षण मिलेगा। ये भारत देश के ही भारतीय औषधि है। ये आपको ब्राह्मणी मंडूक पढ़नी के नाम से भी जाना जाता है। ब्राह्मणी बुद्धि बढ़ाने के लिए भी लोग प्रयोग करते हैं। इसे ऐसा भी लिखा है आयुर्वेद में कि जो ब्राह्मणी का सेवन करता है 6 महीने में वो बहुत बड़ा
कवि बन जाएगा, बहुत बड़ा पंडित बन जाएगा। इसलिए इनके गुणों का व्याख्यान आप कहीं भी देख सकते हैं। आप हाइड्रोकोटाइल के बारे में अवश्य जानकारी रखें। हाइड्रोकोटाइल होम्योपैथी का बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है। यदि आप हाइड्रोकोटाइल को बढ़िया से डीपली अध्ययन करेंगे तो एक से एक से लक्षण आपको जानने को मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि कुष्ठ रोग पर मेरी बराबर पकड़ हो, कुष्ठ रोगी का एक भी ऐसा मरीज ना मिले जो कुष्ठ रोगी का रोग का हो और ठीक ना हो, तो आप हाइड्रोकोटाइल अवश्य से दीजिए और दूसरी दवा ग्रेफाइटिस भी उससे अवश्य दीजिए। दो दवाओं के सहयोग से आप कुष्ठ रोग को मिटाइए और भारत को कुष्ठ रोग से मुक्त दिलाने का आप सपना देखिए। सपना छोटा ही देखिए, ठोस देखिए और अपने जितने भी भारत के कुष्ठ रोगी हैं उन्हें मुक्त कीजिए। और रेलवे स्टेशन पर जितने भी भीख मांगे और भीख मांगते हुए आप देख रहे हैं वो नहीं दिखाई देंगे। आपका जंक्शन भी साफ सुथरा होगा और भारत का इज्जत भी प्रतिष्ठा पूरे दुनिया में बढ़ेगा। कुष्ठ रोगी को समझने के लिए कोई भी व्यक्ति समझ सकता है, कहीं भी हो तो आप होम्योपैथिक अस्पताल में और होम्योपैथिक चिकित्सक से अवश्य दिखाएं। अगर कुछ भी जानकारी ना हो तो आप एलोपैथिक अस्पताल जो भी हो, आपको कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो और कहीं भी चिकित्सक हो तो कृपया करके उन्हें अवश्य पहुंचा दें। और कुष्ठ रोगी को बहुत ज़्यादा आप रेस्पेक्ट से देखें और बीमारी के तौर पर देखें, छुआछूत के दृष्टि से ना देखें तो बहुत अच्छा रहेगा। और यदि किसी व्यक्ति को कुष्ठ हो गया है तो आप ये उसे नफरत नहीं करें, समझे कि उसको एक बीमारी है, ये बीमारी किसी को भी लग सकती है, इसलिए कुष्ठ रोगी से नफरत न करें और छुआछूत की भावना से आप ऊपर उठकर हमें आशा है कि अगला बार उन्हें अस्पताल तक आप अवश्य पहुँचाएँ। हमको हमें समझ में आ गई है कि अब आपको हाइड्रोकोटाइल और ग्रेफाइटिस का कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं कुष्ठ रोगी में और इन दोनों दवाओं के सहयोग से कुष्ठ रोग को कैसे ठीक किया जा सकता है, आप इसे भलीभांति समझ कर गए होंगे। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और घंटी आप दबाएंगे तो आपको हमारा फर्स्ट वीडियो का आपको फायदा मिलेगा। और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपके कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया का हमें हमेशा इंतजार रहता है। और आपको कोई भी सवाल हो तो मैं कमेंट बॉक्स में आप सवाल जो पूछ रहे हैं आपको हम डायरेक्ट आपसे हम बात करेंगे, आपके समस्या का हम समाधान करेंगे। इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 9807557533 पर आप सुबह 8 से 9 और रात्रि 8 से 9 बजे तक आप फोन करके कोई भी सवाल आप कर सकते हैं। यदि CAD के आप विद्यार्थी हैं, आपको कोर्स करने में किसी तरह की कठिनाई आ रही है, आप जहां पर रह रहे हैं यदि वहां पर ये कोर्स उपलब्ध नहीं है तो हम आगे पर बताएंगे कि आप दूसरे स्टेट से कर लीजिए। हर स्टेट में आपका NIOS का प्रधान कार्यालय होता है और अगर आपको संयोग से किसी राज्य में अगर उसका सेंटर नहीं है तो किसी दूसरे राज्य से आप कर सकते हैं। आप उसे ये ज़्यादा कंप्लेन रह रहा है कि NIOS का जो भी हमें नंबर जो रहता है उस पर कोई फ़ोन नहीं उठाता है, उन लोग से बात नहीं हो पाती है, तो आप चिंता ना करें। यदि ऐसा उस संस्था से नहीं हो सकता है तो उस कमी को हम दूर करेंगे। हम आज 30 तारीख के बाद में, आज तो 19 तारीख हो गया, 30 तारीख के बाद में आपका हर सवाल का जवाब आपको बहुत जल्द दे दिया जाएगा। आप चिंता ना करें। CAD कोर्स करके एक स्मार्ट प्रोफेशनल के अपनाते हैं तो हमको इसमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी और हमारे चैनल देखकर आप एक कामयाब और आप रोजगार आपको प्राप्त हो जाता है और आप कामयाब व्यक्ति बन जाते हैं, आपका जीवन खुशहाल हो जाता है, तो मुझे वीडियो बनाने का मकसद पूरा होता है। और इसी मकसद के को हमें पूरा करने के लिए हम प्रतिदिन 2 घंटा YouTube पर हम काम करते हैं। आप लोगों को सहयोग और कमेंट से मुझे हौसला मिलता है, इसी तरह मेरा हौसला बनाए रखिए और एक से एक जानकारी आप हम देते रहेंगे। मैं आपको आशान्वित कर रहा हूँ।
इसी के साथ मैं आपके YouTube चैनल से मैं विदा लेना चाहता हूँ। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।